प्रतिबंधित पॉलीथीन पर शनिवार को एक बार फिर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की और लाखों के प्रतिबंधित पॉलीथीन को जब्त कर लिया। सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी और स्थानीय पुलिस के जवानों ने साहबगंज स्थित कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की और प्रतिबंधित पॉलीथीन को जब्त कर लिया, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। छापेमारी के दौरान साहबगंज मंडी में अफरा तफरी मच गई। छापेमारी के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने बताया। अरे ड्राइवर हेलो है। प्रतिबंधित पॉलीथीन प्लास्टिक के और थर्माकोल की चीज़ें यहाँ पे बिक रही हैं। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे मैं और नगर निगम की टीम और लोकल जो पुलिस फोर्स हम लोग यहाँ पे मौके पे आए और यहाँ पे जो है प्रतिबंधित प्लास्टिक के गिलास कटोरियाँ और भी चीज़ें बरामद हुई हैं। इसको सीज कर दिया गया है और जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। करीब 60-70 पैकेट है और अनुमानित जो उनके अनुसार से 5 से 10 लाख रुपये की कीमत बता रहे हैं वो, और बाकी इसका आकलन तो नगर निगम की टीम करेगी।